स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक टॉपिक को लेकर आ गया हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक है लोकतंत्र, यानी शासन तंत्र की एक प्रचलित व्यवस्था जो लोगों के सहयोग से चलती है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोकतंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, लोकतंत्र का वास्तव में महत्व क्या है, यानी लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको भारत में प्रचलित लोकतंत्र का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। आइए जानते हैं दोस्तों लोकतंत्र के अर्थ के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र को वर्तमान में विश्व की सबसे प्रचलित शासन व्यवस्था माना जाता है। अगर बात करें इसके शाब्दार्थिक अर्थ की, तो इसका शाब्दार्थिक अर्थ है लोक प्लस तंत्र। लोक यानी लोक और तंत्र यानी शासन, यानी लोकतंत्र लोगों का शासन है। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा का जब भी नाम लिया जाएगा तो इसमें अब्राहम लिंकन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने लोकतंत्र विषय के लिए सबसे प्रचलित परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है। अगर सामान्य शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो दोस्तों लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासन शक्ति जनता के पास होती है। आइए दोस्तों जानते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यहाँ मतलब यह है कि दोस्तों कि जो जनता है वह शासन व्यवस्था में सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और उनके लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण जनता स्वयं करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को दोस्तों प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अपनाया भी जाता था, जहाँ की जनसंख्या लगभग 5000 के बराबर हुआ करती थी। वे नगर राज्य काफ़ी छोटे हुआ करते थे। अरस्तु ने इन नगर राज्यों की अधिकतम जनसंख्या 5000 बताई है, जो अगर उसका आज के राज्यों से या आज के ग्रामों से कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों ये जनसंख्या ना के बराबर है। अब बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो जैसा कि दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में जनता द्वारा भागीदारी। शासन का यह रूप आज बहुत प्रचलित है, क्योंकि आज की व्यवस्था की मांग ही है। आज के नगर राज्यों का क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करना काफ़ी कठिन है। तो आज अधिकांश राज्यों द्वारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है। तो दोस्तों यह थे लोकतंत्र के दो प्रचलित प्रकार। अब मैं आपको लोकतंत्र के महत्व से परिचित कराने जाऊंगा, आखिर हमें लोकतंत्र की आवश्यकता ही क्यों है। तो दोस्तों जानते हैं लोकतंत्र के महत्व के बारे में। तो दोस्तों अगर बात की जाए लोकतंत्र के महत्व की, तो सबसे पहला महत्व तो इसका यही है कि यह जनता का शासन है, यानी इसमें सभी प्रकार की नीतियों का निर्माण जनता के हित के लिए किया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें शासन सत्ता की मालिक जनता स्वयं होती है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसमें शासन की जवाबदेहिता तय होती है, यानी शासन करने वाले लोग निरंकुश नहीं हैं, उन्हें जनता ने वहां तक पहुंचाया है
और वह जनता के प्रति जवाबदेही हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें लोक मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है और तभी तक शासन व्यवस्था में रह सकती है जब तक उसे संसद में बहुमत का समर्थन मिलता है। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि इसमें लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाता है ताकि शासन व्यवस्था में कार्यरत लोगों को अधिक प्रभावित कर सकें और अपनी शासन प्रणाली को प्रचलित बना सकें ताकि लोग उन्हें बार बार चुनें। दूसरा यह है कि दोस्तों, लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनके मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाते हैं, यानी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धार्मिक आज़ादी इत्यादि सभी। अगर बात की जाए भारत की, तो भारतीय संविधान ने भाग 3 में प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बहुत ही आवश्यक हैं। अगर बात की जाए इसके 5वें महत्व की, तो वह यही है कि इसमें जनता अपनी पसंद अनुसार सरकार का गठन करती है, यानी जनता के पास सरकार को चुनने के लिए अवसर है। इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बात की जाए अगले महत्व की, तो यही है कि इसमें शासन व्यवस्था का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुली, यानी कि बड़ी शांति से हम शासन व्यवस्था को परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। अगर बात की जाए राजतंत्र अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं की, तो उसमें शासन व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तित नहीं होती। इसके उदाहरण हम भारतीय राजतंत्र में विद्यमान मुगलीय शासन में भी देख सकते हैं। वहाँ एक राजा से शासन को छीनने के लिए दूसरे राजा द्वारा उसका या तो कत्ल कर दिया जाता था या फिर उसके खिलाफ एक लंबा युद्ध छिड़ दिया जाता था। जबकि लोकतंत्र की विशेषता ही यही कि यह शासन को सुगम बनाता है और शांतिपूर्ण तरीके से उसकी शक्ति का परिवर्तन भी कर देता है। तो दोस्तों, ये था लोकतंत्र का महत्व कि आखिरकार हमें अपने जीवन में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, आप जानते हैं भारत में प्रचलित लोकतंत्र के एक संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भारत में लोकतंत्र की, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र के संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका सीधा साधा शाब्दार्थिक अर्थ यही है कि जो संसद है वह संघ की सर्वोच्च विधायी संस्था है और लोकसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व है, यानी उसकी जवाबदेहिता संसद के प्रति है। अगर बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक भारत में संसद के गठन, उसके कार्यकाल, उसके विशेषाधिकारों का एवं उसे संबंधित अनेक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे। यहाँ बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा वह सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के अधिकांश सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुनकर आते हैं। भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, यानी यहाँ संविधान सुप्रीम है। शासन के सभी अंग संविधान के माध्यम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण 3 स्तरों पर किया गया है, केंद्र, राज्य और फिर
ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर बात की जाए शक्तियों के बंटवारे की, तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है। भारतीय लोकतंत्र में जहाँ संविधान के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है, वहीं यदि इनके बीच में कोई शक्ति के बंटवारे को लेकर उल्लंघन या अशांति की व्यवस्था होती है तो इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं जो उसके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो दोस्तों, यह था आज लोकतंत्र के ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।